हाँ जी अब्दुल मोहित हाँ हेलो सर आवाज आ रही हेलो जी आ रही भाई जी आ रही भाई हाँ सर मैं क्या बोलना चाह रहा था हाँ हाँ सर मैं क्या बोलना चाह रहा था मैं तार तारिक फतेह साहब को बहुत टाइम से फॉलो करता तो मेरे को उनको देख के बहुत हेटेड हुए पहले मैं बहुत ही मॉडर्न मुसलमान था लेकिन उनको देख के और मैं कट्टर बन गया था यू you नो know? उनको देख के और मेरे नफरत हुई कैसा है देखो हिंदू लोग इनको यूज कर रहे फिर उसके बाद मेरे को नहीं है क्या आप जैसे लोग मिले तो आपकी जो न्यूट्रलिटी है ना उसके वजह से मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा एक जब मैं तो आप आप देखता था ना तो मैं और ज्यादा कट्टर बना मुसलमान कि देखो ये मुसलमान के खिलाफ साजिश कर रहे यू नो तो ऐसे ही होता है जी जी तो आपकी न्यूट्रलिटी की वजह से मेरे को बहुत असर पड़ा आप हो गए गालिब भाई हो गए गुलजार भाई हो गए और सर मेरा एक एक ऑब्जर्वेशन थी

मेरी तो जब से मैंने साइकेडेलिक एक्सपीरियंस लिया है तो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि ये इतना आसान नहीं है इन चीजों को रूल आउट करना इससे ये ये नहीं बताता है क्योंकि जब आपका दिमाग रैशनल हो जाता है तो देन यू सी लेकिन वो विजुअल इतनी स्ट्रॉग होती है यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं देख रहा हूँ जहां पे कैमरे की तरफ देख रहा हूँ मेरे सामने इतनी क्लियर हेलुसिनेशन हो कि मैं ये स्क्रीन के ऊपर ना छोटे छोटे बंदे भागता हुआ देख रहा हूँ सो so,

सो so, और हाँ। मेरा तो चलो जब मैंने एक्सपीरियंस किया तभी आया ना मैं आके बैक टू माई सेंस अब अब देखें अगर रसूल अल्लाह को हेलुसिनेशन आती थी इन दिन में दो दो दफा आ रही है तो ही वुड स्टार्ट बिलीविंग मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं देख रहा था मैं स्टोइक को कॉल की मैंने गुलजार भाई मैंने स्टोइक को कॉल की मैंने कहा यार स्टोइक देर इज समथिंग मोर मैंने कहा नहीं कुछ और भी है

इतना भी इतना भी हेलुसिनेशन नहीं था थोड़ा सा अपना फायदा भी चल रहा था बीच में सो यू कैन सी ऑल दैट बट आई एग्री कि ये चीजें लेकिन जो भी आ, था इनवॉलंटरी हेलुसिनेशन थी यहां सर मैं भी नहीं है क्या मेडिटेशन करता ना तो मेरे को भी ये आपके जैसी सोच थी मेरी मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं